शादी के दौरान आपने अग्नि के सामने जोड़ों को साथ फेरे लेते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी जोड़े ने एक शव के आगे साथ फेरे लिए हों? आप हैरान न हो, ये घटना बिल्कुल सच है। दरअसल तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बेटे की शादी से पहले पिता की मौत हो गई, जिसके बाद अपनी पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बेटे ने पिता के शव को सामने रखकर साथ फेरे लिए। 31 साल के डी अलेक्जेंडर की शादी 2 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन शुक्रवार को अचानक अलेक्जेंडर के पिता देवमणि की मृत्यु हो गई। देवमणि बेटे की शादी को लेकर बहुत खुश थे और तैयारियों में जुटे थे। उनकी इच्छा थी कि वह धूमधाम से बेटे की शादी करें, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद अलेक्जेंडर ने फैसला लिया कि वह पिता के अंतिम संस्कार से पहले अपनी शादी करेंगे, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। इसके लिए अलेक्जेंडर ने अपनी होने वाली दुल्हन अन्नपूर्णानी से बात की। अन्नपूर्णानी एक स्कूल में टीचर है और वह अलेक्जेंडर के प्रस्ताव पर शादी करने को राजी होगी। दोनों पक्षों ने शादी की तैयारियां की। बारात निकली, अन्नपूर्णानी शादी के बंधन में बंध गई। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।